हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आम की एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे 3 पके हुए आम को अच्छे से धो के ले लिए हैं और अब इसको हम प्लेट में लेके कट कर लेते हैं चाकू से। इसमें का सारा पल्प हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे पल को हमने निकाल लिया है और अब हम लेंगे मिक्सी जार और इसमें लेके हम इसको बारीक पीस लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो अब हम लेंगे इसमें 1 कप सूजी और 1 कप लेंगे हम चीनी और साथ ही में हम लेंगे 1 कप मलाईदार दूध और थोड़ी सी हम लेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बारीक पीस लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट इनो और तुरंत ही इसको डाल के हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 गिलास पानी गरम कर लिया है और इस पर हमने जालीदार थाली भी रख दिया है। तो अब जालीदार थाली में थोड़ी सी घी लगा के ग्रीस कर लेना है, फिर 1-1 चम्मच जालीदार थाली में इस तरह से रख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही प्रोसेस से सूजी मैंगो केक को रख लिया। अब इसको हम ढक के पका लेंगे। तो ये पक चुका है, हमने इसे 20 मिनट तक पकाया है। अब हम जालीदार थाली को गैस से हटा के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो हमने इसे रख लिया है और अब हम फिर से एक दूसरा जालीदार थाली लेंगे और इसमें हम डब्बे में जो भी बाकी बचा था उसको हमने इस तरह से रख लिया है और इसको भी हम 20 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे ढक के। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी मैंगो सूजी केक हमारा बनके तैयार है। इसको भी हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो भी है उसको भी हम निकाल लेंगे और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। तो हमने केक को सीधा कर लिया है और अब इस पर हम रखेंगे टूटी फूटी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो ये वाला भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने उसे भी निकाल के रख लिया है। तो आप देख सकते हैं सूजी मैंगो केक हमारा बनके रेडी है। तो हमारी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।